अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। इलाज के नाम पर मरीजों के खाल उतारने जैसे हालात इन दिनों अधिकांश प्राइवेट चिकित्सकों व नर्सिंग होम में बन चुके हैं। दवाओं व इलाज की कीमत पर कोई नियंत्रण न होने के कारण कई नर्सिंग होम संचालक एक ही दिन में सारी कमाई करने का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। मंगलवार को ऐसे ही आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने गढ़ रोड स्थित न्यूटीमा हॉस्पिटल पहुंचकर हंगामा किया। संचालक संदीप गर्ग से विधायक ने सीधे सवाल किया कि मरीज नर्सिंग होम के भीतर संचालित मेडिकल स्टोर से ही दवाएं क्यों ले। विधायक ने भारी मूल्यों से दोगुना वसूलने का आरोप भी लगाया। हंगामा टालने के लिए डॉक्टर संदीप गर्ग ने विधायक से यहां तक कहा कि यदि वह पैसे नहीं देना चाहते तो न दे, लेकिन विधायक अतुल प्रधान इसके लिए तैयार नहीं हुए। डॉक्टर संदीप गर्ग ने इस तरह के सारे प्रकरणों के लिए मरीज को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सामने ही सरकारी मेडिकल कॉलेज है, वह वहां न जाकर नर्सिंग होम में महंगा इलाज कराने क्यों आते हैं। वह यहाँ मरीजों को लूटने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन वे अपने भारी भरकम हॉस्पिटल का खर्चा कैसे निकालेंगे। मंगलवार सुबह विधायक अतुल प्रधान एक परिचित को देखने के लिए न्यूटीमा हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहाँ एक बच्चे के इलाज का 5.25 लाख रुपए का बिल बनाया जाने पर वह हॉस्पिटल स्थित मेडिकल स्टोर से ही दवा लेने का दवा बनाने का तपा विधायक ने विरोध किया। देखिए नहीं नहीं हमें जैनविन ना 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 जैनविन कैसे डॉक्टर, अरे हमारे तो देखो डॉक्टर जैनविन नहीं है। आप हमें ये बताओ आप जबरदस्ती क्यों करवाओगे मेडिकल स्टोर से, आप बताओ मेडिकल स्टोर से क्यों करवाओगे, अब आपके मेडिकल स्टोर से क्यों दवाई लेते से। मुझे ये बताओ कोड कोड का क्या मतलब है सर, हॉस्पिटल के रेगुलेशन नहीं रूल्स क्या है, कोड का क्या मतलब है, हमें दवाई बाहर से लानी है चाहिए। हाँ तो हम देते हैं, हम तो बाहर देती है ना, हमने तो बस हमें मना करिए, मना करिए, हमें आज मैं हम ये चाह रहे हैं कि तुमने 5 लाख रुपए बिल बटा दे बच्चे का, नहीं देना बिल, किसको बिल नहीं देना, बिल जो जाएंगे वो जाएंगे। ये देखिए सरकार की जो जिम्मेदारी है सस्ती शिक्षा और सस्ता स्वास्थ्य देने की, ये पूरी तरीके से सरकार विफल है। इससे जब सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिल पा रही उसी के कारण लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भारी लूट है। हम भी कल एक अस्पताल न्यूट्रीमा में गए जिनमें भारी तरीके से लोगों के बिल बनाए जा रहे हैं। एक परिवार के बच्चे का जिसका जन्म हुआ, बच्ची का जन्म हुआ, उससे 5.25 लाख रुपये का बिल बैठा दिया। हम गए हमने दिखवाया उसको बिल को, तो बिल में बहुत भारी त्रुटि थी और उसको लेकर हम लोग वहाँ पर बैठे, उनका बिल भी कम कराया और दूसरे लोगों के लिए चेताया भी कि बाहर से दवाई मत लिखिए, उल्टी सीधी जांचें मत कराइए, महंगे बिल मत बैठवाइए, उसको लेकर हम लोगों ने बात की। इस विवाद के बीच न्यूट्रीमा संचालक डॉक्टर संदीप गर्ग को यह भी कहकर सुना जा रहा है कि यदि आप पैसा नहीं देना चाहते तो न दे। यानी संचालक डॉक्टर संदीप गर्ग 5.25 लाख रुपए जैसी भारी भरकम रकम भी छोड़ने के लिए तैयार थे। इससे विधायक ने यह कहते हुए इनकार किया कि वह यहां पैसे कम कराने नहीं बल्कि इलाज के नाम पर हो रही लूटपाट का विरोध करने आए हैं। उधर डॉक्टर संदीप गर्ग ने एक वीडियो बयान जारी कर
कहा है कि बेहतर इलाज के लिए लोग ही प्राइवेट नर्सिंग होम आते हैं। वह यह भी जानते हैं कि नर्सिंग होम में इलाज महंगा होगा, लेकिन इस तरह भीड़ तंत्र में अराजकता फैलाना उचित नहीं है। इस बयान में डॉक्टर संदीप गर्ग ने यह भी कहा है कि मरीज बाहर से दवा लें या नर्सिंग होम से, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। सारे प्रकरण के लिए डॉक्टर संदीप गर्ग ने मरीज को यह कहते हुए जिम्मेदार बताया कि सामने सरकारी हॉस्पिटल है, मरीज से हमने तो नहीं कहा कि हमारे यहाँ महंगा इलाज कराओ। देखिए क्या कहा डॉक्टर संदीप गर्ग। जो कल इंसिडेंट हुआ वो बिल्कुल ही अनफेयर इंसिडेंट था, उसमें हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी। एक बच्चा जो पैदा हुआ हमारे हॉस्पिटल में, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, सांस फूल रहा था उसका, तो पेशेंट का कंसेंट लेके, बाकायदा कंसेंट हमारे पास नोटेड है, कंसेंट लेके उसको हमें NICU में रखा। डॉक्टर अमित उपाध्याय द्वारा इलाज किया गया, जो कि एक सर्वमान्य बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के, और उन्होंने उनको भर्ती किया। उनको हर स्टेप पर बताया गया कि पेशेंट की स्थिति क्या है और पेशेंट को खर्चा बताया गया। यहाँ तो दवाई लेने का सवाल है, दवाई के लिए आप स्वतंत्र हैं, जहाँ मरीज दवाई लीजिए, हमें कोई ऐसा नहीं कि हमारे हॉस्पिटल से लीजिए। जो हॉस्पिटल कैंपस में दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं वो पेशेंट की सहूलियत के लिए कराई गई हैं, आप चाहे बाहर से लें चाहे हमसे लें, हमें कोई ऐसा नहीं है। वो एक कोड का जिक्र कर रहे हैं, तो कोड उन्होंने जो दिखाया है वो एक लेजर है, हॉस्पिटल का बिल का लेजर, लेजर में हर बिल का कोड होता है, वो मेंशन किया गया है। उस कोड को अगर खोलेंगे, लेजर को खोलेंगे, तो पूरा बिल है जो पेशेंट के पास संबंधित है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है ना, इसमें पेशेंट कल्प्रिट है। पेशेंट कैसे कल्प्रिट है, आप कहेंगे पेशेंट क्यों कल्प्रिट, पेशेंट कल्प्रिट ऐसे है कि जब उसको मालूम है कितना खर्चा होना है इलाज में, तो हमने तो नहीं कहा भाई कि तुम प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओ, सामने ही हमारे सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर बड़े सब इतना स्टाफ है, सब कुछ अवेलेबल है, वेंटिलेटर अवेलेबल है, सब कुछ NICU अवेलेबल है, बट पेशेंट अनजानते बूझते हुए सरकारी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होते हैं, और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होकर खर्चा जानते हुए बूझते हुए जस्ट उनको मालूम है कि वो इस तरह का अलग लोकतांत्रिक काम करेंगे, भीड़ भड़का करेंगे, भीड़ तंत्र करेंगे। कल अतुल प्रधान जी आए, उन्होंने 5-6 लोग सब इकट्ठे कर रखे थे, पुलिस वाले भी थे, सब लोग थे, ऑफिस में हल्ला गुल्ला हो रहा है, पेशेंट आप आइए बैठिए बात करिए, हम समझ रही बातों को, हम समझाएंगे, हम समझने के लिए तैयार हैं, चीज़ों को हर चीज़ को डिस्कस करने को तैयार हैं। भाई जब हमारे यहाँ बिजली पानी GST सेल टैक्स इनकम टैक्स सब हम देते हैं, हमारा 700-800 का स्टाफ है, उसका सैलरी है, बिजली का बिल 25 लाख रुपये का आता है, तो हम कैसे सस्ती सुविधाएँ दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट को जब सुविधाएँ, जब दो चीज़ पैरेलल चल रही हैं, प्राइवेट सुविधाएँ चल रही हैं, सरकारी सुविधाएँ चल रही हैं, तो प्राइवेट सुविधाएँ जो हैं उनको आपको अगर आपने उनको भोग करना है तो डेफिनेटली आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी अपनी जब से पेमेंट थोड़ा देंगे, हम किसी को लूट रहे हैं बिल्कुल गलत शब्द है, हमें सबको बता के उसका इलाज किया गया, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होकर घर जा रहा है। उन पेशेंट के अटेंडेंट की गलती है कि जब जानते बूझते हुए वो अतुल प्रधान जी को मिसगाइड करते हैं और फिर अतुल प्रधान आके यहाँ पर वो करते हैं, ये फिर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ के वो इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि वो करते हैं तो यहाँ पर अननेसेसरी क्योस इकट्ठा होता है। 5-6 डायरेक्टर सब लोग उस लगे रहे, सब उनसे बात करते रहे, पूरी IMA की टीम आ गई यहाँ पर, अननेसेसरी 1 घंटे का क्योस मचा रहा है यहाँ पर, पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची रही, ग्राउंड फ्लोर पर कोई काम नहीं हो पाया। तो इस तरह का नहीं होना करना चाहिए, आप आइए बैठिए बात करिए, समझिए बात को, 1-to-1 बात कीजिए, 2-to-3 बात कीजिए, आप अपने साथ बहुत सारे लोग लेके आते हैं, इस तरह से उसको नहीं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम चल सकता। तो हमारी प्रशासन से पूरी पूरी अपेक्षा है और बाकी लोगों से अपेक्षा है कि इस तरह के ना करा करें, और कृपा करके जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको आके बैठें, बात करें, समझें, हम भी जनता की सेवा के लिए ही हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल हमने बनाया है, हमने कोई लूटने के इरादे से नहीं बनाया, जहाँ तक MRP का सवाल है, MRP गवर्नमेंट तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे, स्टेट गवर्नमेंट तय करे, हमारे हाथ में नहीं है, उस MRP पे हम कंसेशन देते हैं। इसमें डॉक्टर कहाँ से आ गए, डॉक्टर तो कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं, डॉक्टर को तो कोई सुबह शाम की विजिट मिलती है, बाकी तो हॉस्पिटल खर्चा है, आपको देना पड़ेगा, उसको बिना कैसे चलाएंगे हॉस्पिटल को। उधर सूबे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेश पाठक ने इस सारे प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेते हुए CMO को 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए आदेश दिए हैं। डिप्टी CM का यह भी कहना है कि यदि अस्पताल प्रशासन दोषी पाया जाता है तो जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।